स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल का दिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो गाइस आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू चेंज सिस्टम नेविगेशन। आप सिस्टम नेविगेशन कैसे चेंज कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको अपने फ़ोन में सिस्टम नेविगेशन चेंज करना नहीं आता है तो वीडियो देख के आसानी से सीख सकते हो कि सिस्टम नेविगेशन कैसे चेंज करते हैं। सिस्टम नेविगेशन क्या होता है गाइस, जो आपके बटन्स दिख रहे हैं तो ये बटन्स, जैसे कि एक सिस्टम नेविगेशन में होता है कि बटन्स होते हैं एंड देन में गेस्चर होता है। जैसे गेस्चर ऑन करते हैं तो जिससे हमारे जो फ़ोन में जो बटन्स है गायब हो जाते हैं और आपको ऐसे मैनुअली ऐसे यहाँ पे ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपका फ़ोन में मतलब बैक हो। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा होम स्क्रीन का। सिंपली होम स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं एक बटन होते हैं, एक होता है गेस्चर। जैसे गेस्चर को ऑन करेंगे आपके फ़ोन में जो बटन्स हैं वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। गायब होने के बाद देखिए इसको क्या कहते हैं, बैक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर स्वाइप करना है ऐसे और ये बैक होगा। देखते हैं तो यहाँ पर स्वाइप कर दिए तो भी बैक होगा। इसको पूरा हटाना चाहते हो यानी कि आपको जो मिडल में जो बटन था उसका यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आपको ऊपर यहाँ पर स्वाइप कर देना है और ये आपका जो पूरा बैक हो जाएगा। ऐसे इसको पूरा बैक कर सकते हो। और मिनिमाइज़ करने के लिए गाइस थोड़ी देर ऊपर करके होल्ड करके रखिए, ये आपका मिनिमाइज़ भी हो जाएगा। तो ऐसे आप गेस्चर को ऑन कर सकते हो अपने फ़ोन में और गाइस उसको बटन को मतलब हटा सकते हो, अपने सिस्टम नेविगेशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको पहले की तरह करना है फिर से वहीं पे आ जाइए उसी सेटिंग पे, बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका पैन पहले की तरह सिंपल हो जाएगा फ़ोन। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।